गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, इससे पिछले क्लास में हम लोग ने एक थ्योरम पढ़ा था, आज उसी से रिलेटेड कोरोलरी पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल द एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट ऑन द लाइन इज 180 डिग्री। यानी एक एंगल, सबसे पहले हम एक रे खींच लेते हैं ए बी, ठीक है। और इससे पहले हम जो पढ़े थे थ्योरम, उसमें हम लिखे थे कि उस लाइन पे अगर हम कोई एक रे स्टैंड करा देते हैं, तो इसका दोनों साइड जो, ये दोनों साइड जो एंगल बनता है, इसको एडजेसेंट एंगल ऑफ लीनियर पेयर बोलते हैं। ये हम पहले, इससे पहले वाले थ्योरम में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये एक रे है, इससे हम एक और रे बनाते हैं, एक और रे, फिर यहां से हम एक और रे खींच लेते हैं, ठीक है। अब इसका हम नाम रखते, नाम भी रखना शुरू कर देते हैं, ओसी, ये ओ, ये सी, ठीक है, ये डी और ये। अब हमारे पास, हमको प्रूफ क्या करना है कि ये एक रे है और इस पे जो ये एंगल बना है और इन सब एंगल का सम जो है वो क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम देखते हैं गिवन, गिवन हमारे पास क्या है। तो गिवन हमारे पास है ओसी, ओडी एंड ओई स्टैंड्स ऑन ए लाइन, स्टैंड्स ऑन अ लाइन ए बी। यानी इतना रे जो है वो लाइन ए बी पे क्या है, स्टैंड है। अब इसमें हमारा क्या है, कितना एंगल होना है, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। अब टू प्रूफ, यानी हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, तो प्रूफ हमको करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इन सारे एंगल्स का योग हमको सम कितना करना है प्रूफ, 180 डिग्री, ठीक है। तो अब हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन तो कुछ हमको कराना नहीं है, तो हम डायरेक्ट प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ पे आते हैं स्टूडेंट्स। तो हम क्या देख रहे हैं, ओसी इज ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन ए बी। इससे पहले थोड़ा में जो हम पढ़े थे स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं ये रे है, ये लाइन ए बी है और ये लाइन ओसी है, और यहां जो एंगल बन रहा है वो दोनों साइड वो 180 डिग्री का सम है। इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, जो हम पढ़े हैं इससे पहले, इसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, जो इससे पहले हम लोग आपको इससे पहले वाले थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। अब लीनियर पेयर में हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी में कितना है, ये एंगल 4 आ रहा है, और यहां जो हम खींच रहे हैं एंगल ए ओ सी में क्या, एंगल बी ओ सी में सिर्फ एंगल 4 आ रहा है, और एंगल ए ओ सी में ये 3 एंगल आ रहा है, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3,
एंगल एओसी में आ रहा है स्टूडेंट्स, एओसी में ये तीन एंगल आ रहा है और एंगल बीओसी में सिर्फ एक एंगल आ रहा है एंगल फोर। तो चूंकि लीनियर पेयर्स वाले थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, अगर हम इसको इस तरह देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180 डिग्री, या अगर हम यहां से लिखें तो एंगल ए ओ सी यानी इसके इक्वल एंगल ए ओ सी किसके इक्वल होगा, एंगल ए ओ सी एंगल वन एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है एंगल ए ओ सी में कौन कौन आ रहा है, ए ओ सी में वन टू थ्री यानी तीन एंगल आ रहा है, प्लस एंगल बी ओ सी में कौन सिंगल एंगल आ रहा है एंगल फोर इक्वल टू 180 डिग्री, ये लिख सकते हैं। या स्टूडेंट्स हमको प्रूफ क्या करना था, यही तो हमको प्रूफ करना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री या एंगल वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर इक्वल टू 180 डिग्री, यानी लीनियर पेयर जो हम लोग पढ़े हैं इससे पहले एंगल्स उसमें ये हमारा प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ, दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स फॉर्म द सेम साइड ऑफ ए लाइन एट ए गिवन पॉइंट द लाइन इज 180 डिग्री, यानी इस पे अगर कितना भी एंगल हम इधर फॉर एग्जाम्पल हम बनाते हैं इधर पांच छ, तो ये सारा एंगल एक एंगल के अंदर आ जाएगा और ये अदर एंगल के अंतर्गत आ जाएगा, यानी इस कंडीशन में भी हमारा इसका योग कितना होगा 180 डिग्री ही होगा स्टूडेंट्स। तो कोरोलरी फर्स्ट हमारा जो है वो प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट कोरोलरी जो है उसी फर्स्ट थ्योरम से ही रिलेटेड है, प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट इज 360 डिग्री, यानी एक लाइन एक एंगल मान लेते हैं एक पॉइंट है, एक पॉइंट ये और यहां से हम एक रेख खींच देते हैं स्टूडेंट्स ऐसे, ठीक है। अब इस रे से हम क्या कर रहे हैं, यहां से एक हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, एक रे खींच दे रहे हैं, तो यहां एक एंगल बन रहा है, ठीक है। फिर उस रे से हम यहाँ एक रे खींच दे रहे हैं, तो यहाँ एक एंगल बन रहा है और फिर हम एक यहाँ रे खींच दे रहे हैं, ठीक है। यानी इसके चारों साइड ये पॉइंट ओ, इसके चारों साइड जो हम एक रे खींच दे रहे हैं, इसके चारों साइड का जो एंगल बन रहा है एंगल वन टू थ्री फोर, इसका सम कितना है 180 डिग्री। अब चलिए इसका हम कुछ नाम भी रख लेते हैं, जैसे ए बी सी और डी, इसका हम कुछ नाम भी रख लेते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है कि ये जो पॉइंट है, प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड ए पॉइंट, यानी अराउंड ए पॉइंट पॉइंट के चारों तरफ जो एंगल बन रहे हैं एंगल वन टू थ्री फोर, इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है ओ इज एनी पॉइंट, ओ इज एनी पॉइंट, वो पॉइंट है एंड ओ ए ओ बी एंड ओ सी आर रे, ओ ए ओ बी एंड ओ सी एंड ओ डी आर रे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओ बी ओ सी एंड ओ डी आर रे, ये हमारे पास गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी
एंगल ए ओ बी, एक एंगल ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस एंगल ए ओ डी दूसरा एंगल, प्लस एंगल ए ओ सी प्लस तीसरा एंगल, सॉरी एंगल सी ओ डी तीसरा एंगल, फिर प्लस एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी ये चौथा एंगल ठीक है, इक्वल टू 360 डिग्री, इक्वल टू 360 डिग्री ये हमको प्रूव करना है ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक। अब इसमें हम क्या करते हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन अपने तरफ से कराते हैं। कंस्ट्रक्शन हम क्या कराते हैं कि इसको हम यहां से खींच के यहां ले जाते हैं, लाइन लिख देते हैं ई, इसको हम क्या किए ई, यानी प्रोड्यूस हम क्या किए प्रोड्यूस ई टू ए, प्रोड्यूस ओ ए टू ई, सॉरी ओ ए टू ई, ओ ए पे हम क्या किए एक लाइन खींचिए क्या ई। अब हमको अब हम लोग क्या करते हैं प्रूफ पे आ जाते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स प्रूफ पे आ जाते हैं। तो OA इज ए लाइन, OB रे स्टैंड्स ऑन A, अब हम क्या कर रहे हैं EOA, EOA इज ए लाइन, इज ए लाइन, OB रे स्टैंड्स ऑन A, OB रे, O और B रे स्टैंड्स ऑन ए, ए पॉइंट पे ओ बी रे स्टैंड्स है ठीक है, क्लियर है। यहाँ हम एग्जांपल के लिए यहाँ भी समझ सकते हैं ये रे है और इस पे क्या है एक पॉइंट ओ बी स्टैंड्स ठीक है, क्लियर है एग्जांपल के लिए। अब एंगल AOB प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब अगर हम इससे लेते हैं तो एंगल AOB और एंगल BOC, एंगल AOB और एंगल BOC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, लीनियर पेयर से, इससे ब्रैकेट में हम इसको लिख देते हैं लीनियर पेयर कैसे होगा, इक्वेशन फर्स्ट ये आपको समझने में आसानी होगा कि एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी 180 डिग्री कैसे लीनियर पेयर से ठीक है। अब एंगल एओबी, एओबी और एंगल बीओई, सॉरी ये 180 डिग्री किस से, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ई लीनियर पेयर से 180 डिग्री होगा ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब ई ओ ए इज अ लाइन एंड ओ सी एंड ओ डी आर रे स्टैंड्स ऑन इट, अब क्या कह रहा है कि ई ओ ए एक लाइन है, ई ओ ए एक लाइन है एंड रे ओसी एंड ओडी, ओसी एंड ओडी जो है स्टैंड ऑन इट, स्टैंड ऑन इट, ओसी और ओडी कहां है इस पे, ओसी और ओडी कहां है उस पे, ईओए पे, ईओए पे ओसी और ओडी क्या है स्टैंड है, वहां रुका हुआ है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं इससे कि COE प्लस COD प्लस AOD इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब ये तो हमारा COE, COE, COB और COD ये तीन जो एंगल हमारा बना COE, COD और ए ओ डी,
ये जो तीन एंगल हमारा बन रहा है स्टूडेंट्स वो 180 डिग्री है। सी एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ ई सॉरी एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी एंगल ए ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई यानी एंगल सी ओ ई सी ओ डी और ए ओ डी ये तीन एंगल जो बना वह 180 डिग्री है। ये किससे किसके अनुसार सम ऑफ एंगल एंड सम ऑफ साइड सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन सम ऑफ एंगल सेम साइड ऑफ ए लाइन सेम साइड ऑफ ए लाइन इक्वेशन टू ये हमारा बन गया इससे। ठीक है अब क्या करना है कि अब हमको देखना है स्टूडेंट्स ऊपर से हम इसको इरेज करते हैं अब क्या करना था ऐड कराना है ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा फर्स्ट एंगल क्या था एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी। ठीक है और ये दोनों साइड 180 डिग्री था इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। ठीक है अब हम यहां क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल जी ओ ई और एंगल सी ओ ई एंगल जी ओ ई यानी था और एंगल सी ओ ई ये दोनों किसके इक्वल हो जाएगा एंगल बी ओ सी के इक्वल एंगल बी ओ सी के इक्वल। तो इसको हम इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस इस दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं बी ओ ई और सी ओ ई इसके इक्वल आ जाएगा पूरा एंगल बी ओ सी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमको प्रूफ क्या करना था यही तो हमको प्रूफ करना है कि इसके राउंड जो चारों साइड जो बन रहा है एंगल वो किसके वैल्यू के इक्वल है 360 डिग्री के इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स आई होप फर्स्ट थ्योरम से रिलेटेड कोरोलरी 1 और कोरोलरी 2 आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम थ्योरम 2 पे बात करेंगे थ्योरम 2 पे डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू।